नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों को फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि दोस्तों, आप काफी सारे जो ऐसे कपल हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और कॉल्स के माध्यम से बहुत सारे कपल्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हम कोर्ट मैरिज करने आ सकते हैं, या कोर्ट मैरिज करने के लिए अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके लिए क्या काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको देखिए बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी जैसा कि कोरोना जो महामारी है वो एक बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। और इसी वजह से दोस्तों, काफी सारे ऐसे कपल्स थे जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, यहां आने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो लोग यहां पर नहीं आ पाए। और इसी वजह से काफी सारे ऐसे कपल्स और हैं दोस्तों जिनके एवरी डे रोज हमारे पास में फोन आते हैं, रोज वो हमसे पूछते हैं कि सर लॉकडाउन कब खुल रहा है। तो दोस्तों, जैसा भी लॉकडाउन अभी खुलेगा, सरकार के द्वारा खोला जाएगा, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को उसके बारे में जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम ऐसा है कि जब भी अगर आप लोग अगर डिसाइड अगर कर चुके हैं अपनी मैरिज करने का, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो दोस्तों आप अपॉइंटमेंट आप लेना बिल्कुल ना भूलें। और यह सबसे ज्यादा जरूरी काम है, अभी आप अपनी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी दोस्तों ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं जिससे ही कोई ज्यादा भीड़भाड़ ना हो, क्योंकि ज्यादा कपल्स को हम लोग यहां नहीं बुला रहे हैं। इसी वजह से स्लॉट वाइज यानी कि एक दिन में जैसे कि 3 या 4 कपल्स को या मैक्सिमम सिर्फ 5 कपल्स को ही अपॉइंटमेंट यहां पर इश्यू करी जा रही है। और अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों में जो अभी है जैसे कि 3-4 दिन में वो अपॉइंटमेंट फुल है, लेकिन उसके बाद में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं दोस्तों। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिंपल आपका प्रोसेस ये रहेगा कि आपने कॉल करना है हमें, और कॉल करके जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने चेक करवाने हैं। यहां पर आपने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर लेंगे। और जब आप अपॉइंटमेंट आप ले लेते हैं तो आपके मोबाइल पर एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन नंबर आ जाता है, एक ई रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके पास में आ जाता है, जिससे कि आपको ये सुनिश्चित आप कर हो जाते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आपकी कंफर्म हो चुकी है। और जिस दिन भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसी दिन दोस्तों हम आपके जो एफिडेविट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहां पर हम आपके बनवाकर तैयार करवाकर रखवा देते हैं, जिससे कि जब भी आप अपनी शादी करने के लिए आप आते हैं, जब भी आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप यहां पर आएंगे, तो सबसे पहले प्राथमिकता प्रेफरेंस उन्हीं कपल्स को दी जाती है जो कि अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट दोस्तों पहले से ही हमारे पास रेडी होते हैं। तो आप लोगों का भी ज्यादा अननेसेसरी कुछ ज्यादा समय यहां पर नहीं लगता है, आप आते हैं और आपका काम तुरंत स्टार्ट करवा दिया जाता है। अब जैसा कि अगर आपके राज्य में भी अगर लॉकडाउन अगर खुलेगा और आप अगर यहां आना चाहेंगे अपनी शादी करने के लिए, तो जो कंफर्मेशन, जो अपॉइंटमेंट नंबर जो आपके पास में आता है, यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मालूम करता है, कोई आपसे पूछताछ अगर करता है, तो वो कंफर्मेशन नंबर भी आप उनको दिखा सकते हैं। और वो कंफर्मेशन नंबर दिखा के अगर आप चाहें तो ई पास भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही आज मैं बताना चाहता था कि अभी आप जो भी ऐसे कपल्स हैं जो कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी शादी करने के लिए आने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से आप लोग नहीं आ पाए, तो दोस्तों उसके लिए अभी आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए दोस्तों बहुत सरल तरीका है, जैसा कि मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जैसा कि हमारा मोबाइल नंबर है इस पर कॉल करके आपने अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया के बारे में आपको उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी काम है, आप अपनी अपॉइंटमेंट आप अवश्य ले लीजिएगा। और इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ भी अगर और आपके अगर सवाल है, और यदि और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं कोर्ट मैरिज से संबंधित या मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मुझसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।